अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बनाने लगी हूँ फ्राइड राइस, जिसके लिए ये राइस बॉईल किए थे एक दिन पहले के, वो ज़रा अच्छे रहते हैं। मटर हैं, 4 अंडे हैं, छोटी सी बेबी कैप्सिकम है, आधी गाजर, थोड़ी सी गोभी, प्याज और 3-4 लहसुन। स्पाइसेस में ये सोया सॉस, विनीगर, काली मिर्च और ये चिकन पाउडर और ये चिली सॉस और नमक तो ज़ाहिर है जाएगा। तो भी मैं ये सारी चीज़ें इनको धो के काट के और मसाले डाल के एक बोल में आती हूँ वापस। हाँ जी, ये हमने गोभी काट ली है, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन ऐसे हमने लंबा लंबा कर लिया, लहसुन को चॉप कर लिया। ये स्पाइसेस जो हैं ये सारे मैंने इसमें डाल दिए। नमक ज़ाहिर अंडरस्टूड सी बात है, राइस में ऑलरेडी डला हुआ है तो वेजिटेबल के हिसाब से हमने डालना। और ब्लैक पेपर और चिकन पाउडर, चिली सॉस ये 1-1 चम्मच है, सोया सॉस और विनीगर आधा आधा चम्मच और ये 4 अंडे। चलें जी, अब खाना बनाना शुरू करते हैं। ये हम हाई करेंगे, ये देखें ऑयल हो गया शुरू। अब गार्लिक डालती हूँ मैं। हाँ जी, ये डाला गार्लिक, डाल के ये शुरू हो गया होना, 10 या 15 सेकंड की बात है। अब इसमें डालेंगे प्याज। अब क्या डालेंगे मीना, इसको क्या कहते हैं? अभी तो आप कह रही थी। अब डालेंगे प्याज, मिर्चें डालें, अब मिर्चें एंड में डालेंगे जी। ये देखा आपने, प्याज भी थोड़ा सा पक गया। अब इसमें गाजर और मटर डाल दिए। आपको जितनी देर में ये फ्राई होगा मैं अंडे बॉल में निकाल लेती हूँ, ठीक है? फिर इसके बाद अंडे डालेंगे ताकि सब्जियाँ बाद में और स्पाइसेस एंड में बिल्कुल डालेंगे। हाँ जी, सबसे आसान तरीका ये सब्जियाँ पकेंगे कि नहीं, ये देखें श्रिंक हो गई, 1-2 मिनट में काफ़ी श्रिंक हो गई। ये फ्राई पता भी चल रही है। अब हम डालेंगे इसमें अंडे। पहले हमने ये सब्जियों को करना है फ्राई से, ये ऑयल में हम डालेंगे अंडे। और इनके क्योंकि फ्लैश बनाने हैं तो थोड़ा सा जल्दी से करके, बहुत ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, रहेंगे साइड से सारे जल्दी पकने लगे ताकि उनके बड़े बड़े चंक्स बन जाएं। देखा आपने, ये बन गए हैं बड़े बड़े चम्मच। अच्छी तरह हिलाना, दोनों हाथों से पकड़ के हिलाया नहीं जा रहा। हाँ जी, तो ये आपने देखा ये कढ़ाई छोड़ दिया, दोनों ऑयल में जर आ गया। अब हम ये सब्जियाँ बाकी से डाल देंगे। जी मुझे दोनों हाथों से जो था बिल्कुल मिक्स मिक्स करके आते हैं। अब ये देखें कितना प्यारे वेजिटेबल्स स्टर फ्राई हो गए। बस मैंने मिक्स ही किया, कुछ ज़्यादा इनको पकाया नहीं है,
क्योंकि अभी स्पाइसेस डालेंगे और राइस भी डालेंगे तो और कुक होंगे। अब डालते हैं ये स्पाइसेस। गाजर दो घूम पानी डाल देते हैं। ये सारे डालते हैं। अच्छा फ्राई करना, दोबारा से पानी पानी भी अपना ख़त्म कर दें, फिर हम राइस डालेंगे। आज ये देखें ये भाई है, मेरा ख्याल है सारे टाइम में 5 मिनट लगे हैं या 10 मिनट लगे हैं, 10 भी ज़्यादा हैं। 5 मिनट में ये सब कुछ तैयार है। क्या कर रहे हैं? हाँ जी, तो ये हो रहे हैं फ्राई। अब इनको थोड़ा हमने सही से फ्राई करना, मसाला अच्छी तरह लग जाए और जैसे ये कहीं कहीं से हैं वैसे ये सारे हो जाने चाहिए। सबसे अच्छी टिप ये है कि आप इसको रात को बॉईल करके फ्रिज में रख दे रहे, फिर ये टूटेंगे नहीं गर्म करते हुए, बहुत अच्छे बनते हैं फ्राई करते हुए। हाँ जी, ये देखें आपने शोर भी बंद हो गया क्योंकि आग बंद कर दिया। ये ऐसे ये शक्ल आ जाए तो बस आपके चावल तैयार हैं।